नमस्कार मित्रों, अब आज एक राहुल गांधी का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, जिसमें पुलवामा के अनफॉर्चुनेट हमले के बाद वे चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुछ कार्यक्रम जिसमें वह पहले से गए हुए थे, और जब तक ये खबर आई तब तक वो कार्यक्रम वो चल रहे थे, और राहुल गांधी के द्वारा माननीय मोदी जी के आचरण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि एक तरफ भारतीय सेना के ऊपर अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमला होता है और माननीय मोदी जी किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, और वहीं पे एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है कि पुलवामा हमले के बिल्कुल बाद, लगभग 4:44 की बात है, ये कांग्रेस के द्वारा ये ट्वीट किया गया था जो आज आप इस वीडियो के बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, और इस ट्वीट को, और जिसमें ये वीडियो भी है साथ में शामिल, इसको बाद में इन्होंने डिलीट कर दिया। तो अब कांग्रेस ये बताए कि पुलवामा हमले के बाद 4:44 पर ये जो ट्वीट आपने किया था, इस ट्वीट को आपने डिलीट क्यों किया, और जो आज राहुल गांधी जो माननीय मोदी जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को सही साबित करने के लिए ये जो आपने ट्वीट, अपना ट्वीट जो डिलीट किया है, अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी के युग में आप बच नहीं सकते, तो आप कांग्रेस को ये जवाब देना होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अपनी कमर क्यों मटका रहे थे, और इनके कमर मटकाने वाला जो वीडियो था ये डिलीट क्यों किया गया। जवाब देगी कांग्रेस इस बारे में? Oh,